विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में दोनों पार्टी साझा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है और समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपना संगठन मजबूत कर रही है, जिसके लिए प्रदेश की कार्यकारिणी गठित की जा चुकी है। यादव ने बताया अगले उपचुनाव में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी। अभी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, इसके बाद जैसे चुनाव की घोषणा होगी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, हम लोग उसका पालन करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। अभी आपने देखा अमरवाड़ा चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ में था, इन्होंने लास्ट राउंड एक राउंड बढ़ाया गया और बेईमानी से चुनाव को जीता गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव हार रही है, जितने भी उपचुनाव हुए हैं आप देखेंगे पूरे देश में चुनाव हार रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।